नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां विवेक बंसल की मुश्किलें बड़ी, कांग्रेस विधायक हुए विवेक बंसल के खिलाफ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरियाणा कांग्रेस में विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, इसके साथ ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। उनके लिए हरियाणा कांग्रेस को संभालना अब आसान नहीं लग रहा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन की हार का पूरा ठीकरा बंसल के सिर ही फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के दो और विधायक ने विवेक बंसल पर हमला किया है। दोनों विधायकों ने उनकी कार्य शैली पर सवाल उठाए हैं। वैसे तो राज्यसभा चुनाव के मामले में विवेक बंसल हाईकमान को भेजी रिपोर्ट के साथ ही अपनी पूरी स्थिति सार्वजनिक रूप से साफ कर चुके हैं, लेकिन जब अजय माकन ने चंडीगढ़ में वह सब कुछ कह दिया जिसका कांग्रेस विधायक इंतजार कर रहे थे, तब विवेक बंसल के लिए हालात कठिन हो गए थे। माकन ने साफ तौर पर विवेक बंसल और किरण चौधरी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अपनी हार के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया है। अब भूपेंद्र हुड्डा के दो और विधायक बात का समर्थन किया और उस पर सवाल भी उठाए हैं। कुलदीप वत्स ने बंसल पर आरोप जड़ दिए हैं। कुलदीप वत्स ने माकन की बातें दोहराई तो उनका साथ देने के लिए एनआईटी क्षेत्र में विधायक नीरज शर्मा भी कूद पड़े। हम आपको बता देते हैं कि नीरज शर्मा बंसल के सबसे नज़दीकी हुआ करते थे, लेकिन माना जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से बंसल से नाराज हैं। अब वह पूरी तरह से बंसल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बंसल इनके बयान पर ज़्यादा सख्त नहीं है, मगर वह कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में एक गलत वोट को देखने में उनसे चूक हुई है, मगर यह चूक अनजाने में हुई है, इसमें संदिग्धता जरा भी नहीं दिखी जा रही है। नीरज शर्मा कह रहे हैं कि बंसल की संदिग्ध भूमिका रायपुर प्रवास के दौरान ही सामने आ गई थी, जिसका उन्होंने बाद में खुल देखा गया है। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।